नमस्कार। और हमने पहले 20 श्लोक में भगवान के 188 नामों के अर्थ की व्याख्या हम सबने कर ली थी। 21वां श्लोक है, मरीचिर दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्य नाभा सुतपा पद्म नाभा प्रजापति। यानी भगवान के इस श्लोक में मरीचि, दमन, हंस, सुपर्ण, भुजगोत्तमा, हिरण्यनाभा, सुतपा, पद्मनाभा और प्रजापति, ये नाम भगवान के आए हैं। तो जो पहला नाम आया है मरीचि, मरीचिर्दम, मरीचि, मरीचि का अर्थ है प्रकाश। तो मरीचि मतलब वह जो तेजस्वियों तेजस्वी जितने हैं तप करते हैं, ज्ञान से तेज अर्जित करते हैं, जो भी उपासक हैं भगवान के, उन सभी का परम तेज रूप, यानी वही उसी प्रकाश से, उसी लाइट से, उन सभी में जो भी उनके भक्त हैं वो तेज व्याप्त हो रहा है। तो भगवान ने कहा भी है, मैं तेजस्वियों का तेज हूं। तो जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, परमात्मा के ध्यान में लीन हैं, वो उनके ही प्रकाश से आप यह यात्रा कर पा रहे हैं। और भगवान साफ साफ हम सबके, आप अगर आधुनिक शब्द में कहें तो लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है, यानी जैसे सूर्य नारायण हम सबके लाइट हाउस हैं, वो भी नारायण है तो हम सबके लाइट हाउस हैं एक तरह से। तो वो तेजस्वियों के भी परम तेज रूप है। दूसरा नाम है भगवान का दमन। दमन यानी वह जो राक्षसी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको जो सताते हैं, और भक्त लोगों के अंदर भी जो राक्षसी प्रवृत्ति है, असुर प्रवृत्ति है, उसका वह न सिर्फ दमन करते हैं परंतु संसार के ताप का भी वो दमन करते हैं, संसार के दुख का भी वो निग्रह करते हैं, यदि आप उस पवित्रता से परमात्मा को पुकारते हैं तो। और वो कैसे करते हैं, कई बार अकाल मृत्यु आप देखते हो बहुतों के, और इस जन्म का जो कर्म है वो अगले जन्म का प्रारब्ध है, हमारा भाग्य है। तो जैसे शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि अपने अधिकार में प्रमाद करने वाली प्रजा को, प्रमादी प्रजा, हम ज्यादातर प्रमादी प्रजा हैं। तो सूर्य के पुत्र यम आदि के द्वारा दमन करने का भगवान का स्वभाव है, यानी मृत्यु भेज देते हैं, दुख भेज देते हैं, गरीबी भेज देते हैं, बीमारी भेज देते हैं, इस रूप से वो दमन करते हैं जो भी। इसलिए, और सिर्फ एक इस जन्म के कारण नहीं, पिछले जन्म जो इस जन्म का आपका भाग्य है और इस जन्म का जो कर्म है वो अगले जन्म का प्रारब्ध होगा, तो भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं रथ के पहिए की तरह। एक पहिया से कोई रथ गति नहीं कर सकता। कोई बहुत कर्म कर रहा है हमसे, आपसे बहुत ज्यादा, कोई पत्थर तोड़ने वाला हार तोड़ मेहनत कर रहा है, वो बहुत कर्म कर रहा है। रिक्शा चलाने वाला हमसे, आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। किसी बिल गेट्स के, कोई बिल गेट्स जो पत्थर तोड़ने वाला श्रमिक है, उसका दशांश भी मेहनत नहीं कर रहा। तो कर्म के धरातल पर देखिए, लेकिन वो पत्थर तोड़ने का जो कर्म है वो पिछले जन्म के, उसके कर्म जो इस जन्म में भाग्य बन गए हैं उसके कारण पैदा हो गया, और पिछले जन्म में जो उसका कर्म था इस जन्म में जो भाग्य बना, तो कम पढ़ा लिखा भी बिलेनायर बन गया।
तो कई बार हम कहते हैं भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि भगवान का स्वभाव दमन करने वाला है, वो दंड देते हैं, दंड देते हैं कर्म के अनुसार, कर्म फल वही देते हैं। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं गीता में कि तुम इसकी चिंता छोड़ दो, कर्म फल पे किसी का अधिकार नहीं। और भारत का जो समाज है उसने चार वर्णों में जो समाज को बांटा, और वो आज भी है, आज भी स्कॉलर्स हैं, आज भी पुलिस सेना आदि हैं, आज भी पूरा धनाढ्य वर्ग है, और आज भी सर्विस वर्ग है। इस चार से बाहर दुनिया बट ही नहीं सकती, नाम अलग रख दीजिए। तो भगवान ने जो पिछला कर्म है वो जो इस जन्म में भाग्य उसके हिसाब से, इसलिए वो कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गीता में गुण कर्म विभाग सा, मैंने उसके गुण और कर्म को देखकर उसको चारों वर्ण में से जिस भी वर्ण में जन्म दिया है, यानी जो पिछला गुण कर्म से उसके, और गुण कर्म से कोई इस जन्म में मान ले ब्राह्मण ही में ही जन्म ले लिया, परंतु अगर वो रिक्शा चला रहा है तो उसके उसके साथ दोहरा दमन का भगवान ने किया कि वो उसको उच्च अवस्था में उसके जन्म से तो दे दिया, परंतु कर्म उसका इतना था कि वो और किसी को शूद्र में दिया, लेकिन कर्म उसके बड़े थे तो गुण कर्म दोनों देखते हैं भगवान, जो है उस हिसाब से विभाजन करते हैं, उस हिसाब से जन्म देते हैं। तो भगवान का स्वभाव दमन के, कुछ दंड देना है, राजा दंड देता है। और पृथ्वी का राजा कौन है, पूरे ब्रह्मांड का राजा कौन है, कल नाम में आया था, विष्णु। इसलिए जो राजा दंड नहीं देता वो राज करने योग्य नहीं है, राज्य में अराजकता आ जाएगी। तो जब हमारे पालक ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण यदि दंड की विधि नहीं अपनाएंगे तो राज्य में अराजकता आएगी, पूरी प्रकृति में अराजकता आ जाएगी। और जब राजा दंड नहीं देगा तो फिर पुरस्कार भी नहीं देगा, तो अच्छे कर्म वालों को अच्छा और बुरे कर्म वालों को बुरा कैसे मिलेगा। ये जो आप आज मलिच्छों का तांडव देख रहे हो, ये कली काल के लिए भगवान ने लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि मलिच्छों के प्रभाव बहुत बढ़ जाएंगे, एक्सेस बढ़ जाएंगे। पशुवृत्ति वाले लोगों का जन्म, भूत पिशाचों का जन्म, आप देखते हो आज भूत पिशाच नहीं होते जो, तो जो मलिच्छ प्रवृत्ति है वो बढ़ जाता है, फिर उसको दंड देने के लिए प्रकृति अपनी लीला करती है, और जो प्रकृति की लीला है वही भगवान की लीला है। तो इसलिए भगवान का नाम है दमन। उसके बाद भगवान का तीसरा नाम है हंस, हंस यानी वह शुद्ध आत्मा। हम कहते हैं ना रामकृष्ण परम हंस हो गए, वह जो शुद्ध आत्मा है हंस, और वेद में जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी जो ब्रह्म हो है वह हंस है, हंस की गति है उसकी। तो भगवान का एक नाम हंस भी है, और वह जो है ईश्वर है, स्वयं में आत्मा है, आत्म तत्व प्रकाशमय है उनका, इसलिए वो हंस हैं। इसके अलावा वह जगत के पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान उन्होंने दिया, इसीलिए भी, और वेद का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने हंस का रूप धारण किया, ये पुराणों की कथा है, इसीलिए भी हंस है। एक तो वह श्वेत आत्मा है जिनको कोई छू नहीं सकता, निर्लिप्त आत्मा है, जहां कोई पाप नहीं, वो परिपूर्ण है, इसलिए हंस है। इसलिए आज भी जो ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को छू लेता है उसको हंस कहते हैं, परम हंस, रामकृष्ण परम हंस। और दूसरा उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस का रूप धारण किया था, इसलिए भी उनका नाम हंस है।
उसके बाद उनका नाम है सुपर्ण। पर्ण मतलब सुंदर से पंख, पर्ण मतलब पंख। एक कथा आती बड़ी सुंदर सी कि दो घनिष्ठ मित्र थे, दो पक्षी थे साथ साथ, एक ही पेड़ पर रहते थे। दो बड़े बड़े घनिष्ठ मित्र थे, दोनों अपने अपने कर्म के कारण एक ही पेड़ पर रहते हुए भी एक फल का स्वाद ले सकता था, एक फल का स्वाद नहीं ले सकता था। ये कथा आती है। तो एक जीव कर्म फलों को भोगता है और दूसरा उसका साक्षी होता है, यानी एक ही जीवन जैसे है उसमें, वो जो देखने वाला है वो आत्मा है और जो वो भोगने वाला है वो शरीर है। एक वृक्ष पे है यानी शरीर में है, एक ही साथ, एक उदाहरण के रूप में आया है जीवात्मा और परमात्मा को। सुपर्ण जो दो पंखे हैं, दो डैने हैं, सुंदर से पंख। तो एक पंख है कर्म का और एक पंख पंख है भाग्य का, एक पंख है शरीर का, एक पंख है आत्मा का। शरीर भोगता है, ये जो भी आप करोगे, आप सिनेमा देखने जा रहे हो तो आपकी इंद्रियां, अच्छी आंख उसको देखती है, भोजन कर रहे हो तो जीवा उसका स्वाद लेता है, म्यूजिक सुन रहे तो कान उसका स्वाद लेता है। तो शरीर उसको भोग रहा है और आत्मा दृष्टा भाव से देख रही है। और ये शरीर अच्छा भोगेगा तो ये जो आत्मा दृष्टा है वो अगली बार अच्छे शरीर की यात्रा करेगा। ये शरीर यदि बुरा भोगेगा तो उस आत्मा को बुरे शरीर का वास करना होगा, क्योंकि शरीर का आधार वही है। इसलिए सुपर्ण सुंदर से पंख, ये दो पंख है, कर्म फल का पंख है एक जो जीव है, यानी एक कर्म है, एक भाग्य है, साथ ही एक शरीर है और एक आत्मा है। शरीर करता है वो जो है कर्म फल को भोगता है और आत्मा साक्षी है। इसके अलावा सुपर्ण का एक और अर्थ है गरुड़ पक्षी जो है, सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप। गरुड़ पक्षी के तो गरुड़ भी विष्णु के आत्मा से ही चल रहे हैं, विष्णु को कौन लेके उड़ सकता है। तो गरुड़ स्वरूप पंख, उनके सुंदर से पंख हैं गरुड़ के, इसलिए गरुड़ स्वरूप पंख वाले सुपर्ण का अर्थ है। उसके बाद है भुजगोत्तमः। भुजगोत्तमः यानी शेषनाग, यानी अनंत शेषनाग जो उनके शयन से ही आए। भुज यानी भुजंग सांप, भुजंगों में सबसे उत्तम शेषनाग, जहां प्रभु जिस पर विराजते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं नागों में मैं अनंत हूं, अनंत अर्थात शेषनाग हमारे, जो हम सब कहते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, वो शेषनाग भी विष्णु है। इसलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों ही विष्णु हैं, चारों विष्णु के ही अंश हैं, और बलराम और कृष्ण दोनों ही विष्णु हैं। विष्णु मतलब विस्तार, विष्णु मतलब ब्रह्मांड, जो भी इस ब्रह्मांड में वो विष्णु है। तो उनका जो भुजगोत्तम और सुपर्ण का एक और है जो कर्म फल आपको बताया, और इसी कर्म और भाग्य से आप संसार को पार करोगे, तो संसार की नैया पार कराने वाले एक और उसका अर्थ है। और दूसरा भुजगोत्तम यानी शेष नाग, नागों में उत्तम भगवान है। उसके बाद हिरण्य नाभा यानी जिससे सृष्टि निकली है, उन्हीं के नाभि से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं, ये ब्रह्मांड निकला है। तो वह नाभि जो हिरण्य गर्भ का आधार है, आदि शंकराचार्य जी इसमें कहते हैं
कि भगवान की नाभि हिरण्य यानी स्वर्ण के समान कल्याणमयी है, इसलिए वह हिरण्य नाभ है, यानी वो हितकारी हैं और रमणीय नाभि वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के नाभि से ब्रह्मा कमल प्रकट हुए जिस पर ब्रह्मा थे। तो सृष्टि के आधार, उन्हीं का नाभि सृष्टि का आधार है, सृष्टि के होने का आधार है। उसके बाद सुतपा, सुतपा बद्रिक आश्रम में नर और नारायण के रूप में तप का जो सबसे सुंदर उदाहरण है वो नर और नारायण है, इसलिए हमने भी नर और नारायण को याद किया आज। तो सबसे सुंदर तप करने वाले मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके नर और नारायण जो है वो जो तप कर रहे हैं, और वो जो सुंदर तप है का मतलब यह है एकाग्रचित्तता तप, मतलब जहां मस्तिष्क की गति रुक जाए, मस्तिष्क के मालिक आप हो जाएं, तभी ऐसा तप सुतप होता है। तो सुंदर तप वाले, और सुंदर तप आप जप में, ध्यान में या अपने कर्म क्षेत्र में, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप पत्रकार हैं, आप नेता हैं, यदि आपने एकाग्रता साध ली है तो वह आप तप भगवान विष्णु के सुतपा रूप है, यदि आपने साध लिया है। जैसे हमारे तीरंदाज हैं ओलंपिक आदि में, आप देखिए उनकी अगर दिशा भी भटक जाएगी तो वो अपने लक्ष्य को से बाहर निकल जाएंगे। तो वो जो उनका एकाग्रमन है वह तप का सबसे सुंदर रूप है, इसलिए भगवान सुतपा है, और नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में वो कर भी रहे हैं तपस्या। तो सुतपा। उसके बाद पद्मनाभ, पद्मनाभ वही जब ब्रह्मा जी जिनकी नाभि कमल से निकले, जो ब्रह्म का आधार है, जिसकी नाभि समस्त सृष्टि के सृजन का आधार है, इसलिए पद्मनाभ, पद्म यानी कमल, पद्मनाभ। और प्रजापति यानी जो सभी प्राणियों का, प्रजा का स्वामी है, राजा है प्रजापति, सारे प्राणी उसी की संतान है, इसलिए वो पालन करने वाला है, क्योंकि वो सारी प्रजा उसकी संतान है, इसलिए भगवान विष्णु का रूप ब्रह्मा विष्णु महेश में पालनकर्ता का है, क्योंकि वह प्रजा का आधार है। और ब्रह्मा से लेकर मनुष्य जंतु तक उसकी प्रजा है, और वह उसका स्वामी है, पति वह उसका स्वामी है, तो प्रजापति। 22वां श्लोक है अमृत्यु सर्वधिक सिंह संधाता संधिमान स्थिरा अजो दुर्मर्शना शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा। इसमें भगवान के नाम है अमृत्यु सर्वधिक सिंह संधाता संधिमान स्थिर अज दुर्मर्शना शास्ता विस्तृतात्मा सुरारिहा, भगवान के इतने नाम इस श्लोक में। तो अमृत्यु यानी जो मृत्यु से परे है, जिसको मृत्यु छू भी नहीं सकती, जो अजर है, अमर है, अजन्मा है, तो जिसको मृत्यु आ ही नहीं सकती, साथ ही भगवान विष्णु किसी भी तरह से मृत्यु से रहित है। जब प्रलय काल आता है तो संहार भी करते हैं, और फिर जब प्रलय काल के बाद नए युग का निर्माण भी करते हैं, इसलिए वो अमृत्यु हैं, मृत्यु उनको छू नहीं सकती। उसके बाद दूसरा नाम है भगवान का
सर्वदृक, सर्वदृक माने देखना, सर्व सर्व का दृष्टा, कुछ भी उनकी नजर से बचा हुआ नहीं है, वो सर्वद्रष्टा है, सब कुछ देखने वाले हैं। आप कितना ही कहो कि हमारा ये काम चुपके से कर लेते हैं, वो देख रहा है, और वो जो देख रहा है वही कर्म फल में घटित होने वाला है। इसलिए जो कर्म फल की तराजू लेकर बैठा है राजा, उसकी दृष्टि एक एक जंतु पर है, इसलिए वो सर्वदृक है। सिंह भगवान सिंह के समान दुष्टों का विनाश करते हैं, नरसिंह दुष्टों का विनाश करने वाला विनाशक, इसलिए भगवान सिंह सदृश हैं। उसके बाद उनका अगला नाम है, सिंह के बाद उनका अगला नाम है संधाता, संधिदा, संधाता यानी संधि करने वाला, और किसमें संधि, आपके कर्म और उसके फल के बीच संधि स्थापित वही करता है, इसलिए वो संधाता है। इसलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं तुम कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो संधि करना मेरा काम है, तुमने जो कर्म किए वही फल दूंगा। तो कर्म का दृष्टा सर्वदृक, उसके अनुरूप फल देने वाला यानी संधाता, तो कर्म और फल के बीच संधि का जो काम है वो भगवान का है, और उसके बाद संधिमान, उनका अगला नाम है संधिमान। तो संधिमान का मतलब है कि सदा संधि रखने वाले, यानी फलों को भोगने वाले वो हैं ही, तो संधिमान, संधाता यानी जोड़ने वाले, और सभी लोगों के कर्मों को फलों को संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसलिए संधाता, और फलों को भोगने वाले भी वही हैं, और आपके जो फल हैं उसके भोक्ता भी वही हैं, इसलिए वो संधिमान। सृष्टि में आप जो भी कर रहे हो परमात्मा को साक्षी उन्हीं के पास जा रहा है। अपने महाभारत के सीन में देखे होंगे कि जो मर रहा है तो भी उनके मुख में जा रहा है, जन्म ले रहा है तो भी उनके मुख में जा रहा है, तो उस कर्म फल को भोगने वाले भी वही है, इसलिए संधिमान उनको जो है संधिमान कहा गया। इसके बाद स्थिर यानी प्रभु अपने शाश्वत सनातन, ये जो आपको आजकल पढ़ा दिया जाता है हमारे शास्त्रों में बदलाव होने चाहिए, हमारा धर्म ये नहीं ये है, बदलते रहते हैं, सनातन स्थिर है, शाश्वत है, सूर्य की किरण स्थित है, पानी का अपना स्वरूप स्थित है, वो वाष्प बन के भी पानी ही बनेगा, अग्नि का स्वरूप स्थिर है, भू का स्वरूप स्थिर है, आकाश का स्वरूप स्थिर है, तो जो सनातन है वो स्थिर है, शाश्वत है, इसलिए भगवान स्थिर हैं, वो अपने स्वरूप में सदा समान है, कोई अपरिवर्तनशील नहीं है। ये जो आपको समझा दिया जाता विकास परिवर्तन ही देखना है, ये है, ये व्यक्ति द्वारा चलाए हुए पंथों में, और उन पंथों ने भी कहा कि इस कागज से ज्यादा तुम हिल नहीं सकते, जब वो पंथ कह रहे हैं उस कागज से ज्यादा हिलोगे तो आपको मार देंगे, वो तो शाश्वत, उसने तो नियम बना रखे हैं। सूर्य का तेजी उसका स्वरूप है, उसका गुण है, उसका धर्म है, अग्नि की तपिसी उसका गुण है, उसका धर्म है, तो अगर वो अपने गुणधर्म को त्याग देगा तो अग्नि नहीं, आकाश अपने शून्यता के गुणधर्म को त्याग देगा तो आकाश नहीं, पृथ्वी अपने गंध के स्वरूप को त्याग देगी तो पृथ्वी नहीं, तो वो स्थिर है। इसलिए जब आपको समझाया सब
वसुदेव कुटुंबकम हम कहते रहे, हम सबको मिलाते रहे, हम देखना करते रहे, जोड़ते रहे, शास्त्र में बदलाव करते रहे, आप समझ जाइए कि ये अब्रामिक थॉट से प्रेरित लोग हैं, पश्चिम के विचारों के थॉट से प्रेरित लोग हैं, और वो अपनी सुविधा अनुसार धर्म को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे जितने बाबागिरी करने वाले बाबा हैं उनका भी यही बात है। इसलिए जितने बाबागिरी करने वाले हैं उन सबके जीवन में अपयश आया कि उन्होंने धर्म को की व्याख्या अपने रूप से कर दी। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, आदि शंकर ने किया, रामानुजाचार्य ने किया, लेकिन उस मूल स्वभाव, उस मूल रूप को उन्होंने स्थिर रखा है और इन्होंने उस मूल स्वरूप को ही गायब कर दिया। कोई मूर्ति का विरोधी हो गया, कोई पुराणों का विरोधी हो गया, किसी ने कहा हमने शास्त्र नहीं पढ़े, ज्ञान उड़ेल रहा है, कोई वेद पे कुछ बोलने लगा, जिसने रामायण महाभारत को कह दिया कि ये तो इतिहास नहीं है। तो धर्म अपनी धुरी पर स्थिर रहता है। जैसे एक परिधि बनाते हैं, मैं ये उदाहरण बार बार देता हूं, जब तक प्रकार को बीच में स्थिर नहीं रखोगे तब तक तो परिधि बनेगी नहीं। तो परमात्मा स्थिर अगर नहीं होंगे तो ब्रह्मांड का निर्माण, पूरे प्राणी जगत का निर्माण कैसे होगा? तो परमात्मा यानी धर्म स्थिर है, इसलिए भगवान स्थिर है। अजह यानी अजन्मा, वो जन्म लेता है, अवतार लेता है हमारे आपके कल्याण के लिए, लेकिन वास्तव में वो अजन्मा है। और साथ ही वो हृदय में वास करता है, साथ ही वह हृदय में वास करता है, इसलिए भी वो अज है। और वो जन्म नहीं लेता इसलिए अजन्मा है। दुर्मर्शना का अर्थ हुआ उसको कोई सह नहीं सकता, उसकी ताप कोई नहीं सह सकता। अर्जुन डर गए, दुर्मर्शन है। जब भगवान समझाते समझाते थक गए और अर्जुन के तर्क कम ही नहीं हो रहे थे, तो भगवान ने अपने विशाल रूप दिखाए और अर्जुन भयभीत हो गए कि प्रभु समेटो अपने रूप। कौरवों की सभा में लोगों की आंखें चौंधिया गई और उसकी ताप नहीं सहन होती। आपको अगर इसका परीक्षण करना है तो सूर्य से जरा आंखें मिलाकर देखो, ताप सह नहीं पाओगे, नारायण है वो। दुर्मर्शना, जिसका ताप जो है सह नहीं सकते, और उसका ये करता है उसके क्रोध को भी कोई सह नहीं सकता। अगर सूरज अपनी प्रचंडता दिखा दे, पानी अपनी प्रचंडता दिखा दे जो परमात्मा रूप है, तो फिर कोई सह नहीं सकता। सोचो वो परमात्मा आए तो कौन सहेगा? इसलिए उनके साथ जन्म लेने के लिए देवताओं की पूरी फौज उतरती है और राक्षस उनके ताप सह नहीं पाते, राक्षस बेचैन हो जाते। तो भगवान को टेस्ट करना हो तो सूर्य से जरा आंखें मिला लो, पता चल जाएगा कि वो कितने दुर्मर्शन है, कितने उनको सहना कितना मुश्किल है। तो दुर्मर्शना शास्ता, शास्ता मतलब कि सब पर अनुशासन आरोपित करने वाले। इस सृष्टि के अनुशासन क्रम से चलती है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होता है, वो अपने अनुशासन नहीं तोड़ती, हम तोड़ते हैं। ऋतुएं अपने अनुशासन से आती हैं। अब जाड़ा आएगी, फिर उसके बाद बसंत आएगा, फिर बरसात आएगी, गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगा, वो अपने क्रम से अनुशासन। पृथ्वी अपनी धुरी नहीं छोड़ती, घूर्णन नहीं रोकती कि चलो आज सुस्ता लेते हैं, हम ही सुस्ता थे। तो शास्ता जो सृष्टि के नियमों का प्रशासक है कि पृथ्वी घूम रही है ना, सूर्य प्रकट हो रहे हैं ना, दिन रात हो रहा है ना, ऋतुएं बदल रही है ना, शास्ता यानी सृष्टि के नियमों का वो प्रकाशक है, वो शासक है। और पूरी सृष्टि को उसने अनुशासन से बांध रखा है। अनुशासन अगर बिगड़ गया, जैसे नदी अपनी धाराओं से अनुशासन से चल रही है, पर अनुशासन बिगड़ गया तो
प्रलय, जल प्रलय आ जाएगी, वही है संकट, जल प्रलय आ जाएगी पूरी तरह। हवा अपने अनुशासन से बह रहा, बह रही है, पर वो जब अंधड़ का रूप ले ले अपने अनुशासन को, तो प्रकृति ने यानी आपको दमन, भगवान ने दंड दिए दमन, तो पूरी प्रकृति को सबको वही अनुशासन में बांधे हुए है। इसलिए शास्ता विस्तृत आत्मा, विस्तृत आत्मा यानी वेद आदि में जो आत्मा कहा गया, जो आत्मा शब्द आया, वह स्वयं विष्णु है। वह स्वयं विष्णु है और उनके स्वरूप का श्रवण किया जाए। विस्तृत आत्मा इसलिए वो विस्तृत आत्मा है। इसके अलावा प्रसिद्ध स्वभाव वाले विस्तृत आत्मा, उनकी प्रसिद्धि किसी से छुपी हुई नहीं है, वो जहां भी रहेंगे अपने आप को प्रकट कर ही देंगे। कल की भी आएंगे तो प्रकट कर ही देंगे। उनकी प्रसिद्धि छुप नहीं सकती। राम साधारण वन में रहकर भी राम की प्रसिद्धि छुप नहीं सकी। कृष्ण ग्वाल वालों के बीच में रहे लेकिन प्रसिद्धि छुप नहीं सकी। परमात्मा की प्रसिद्धि छुप नहीं सकती। तो विस्तृत आत्मा वही सबका आधार है। उसके बाद सुरारिहा, सुर यानी देवता, अरि माने शत्रु, तो देवताओं के शत्रु का विनाशक। देवताओं के जब भी देव दानव युद्ध हुए, देवासुर युद्ध हुए, देवासुर संग्राम हुए, तो हमेशा देवताओं के पक्ष में भगवान विष्णु ही खड़े हुए, अन्यथा देवता जीत नहीं सकते। सुरा सुरारिहा यानी देवताओं के शत्रु का विनाशक। अगर आप में देवत्व का गुण है तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान विष्णु भय का नाश करते हैं, तो और वो आपके शत्रु का भी नाश करेंगे। तो सुरारिहा इस श्लोक में